नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका ज्योतिष परम धन ग्रह नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ सन 2020 के आर्थिक भविष्य फल के बारे में बात कर रहा हूँ। सभी लग्नों मेष से लेकर मीन तक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ष आर्थिक भविष्य फल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार ग्रह महत्वपूर्ण कार्मिक ग्रह वर्ष में राशि बदल रहे हैं। वो हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। हर लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब कर्क लग्न जो है, इसके ऊपर क्या 2020 में आपका आर्थिक भविष्य फल है, वो बात करने जा रहा हूँ। आपका कर्क लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा। यदि ऊपर के तीन खानों में बीच में चार नंबर कैंसर अथवा कर्क लिखा, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। नाम के अक्षर यदि इनमें से कोई आपका अक्षर है, तो समझिए कि आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये नाम के अक्षर हैं। यदि आप कर्क लग्न में क्या होने जा रहा है आपके लिए, तो आप क्या करें, YouTube पे जाके नवग्रह मंथन चैनल के ऊपर जाइए, आप इसे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कर सकते हैं और पूरे वर्ष का भविष्य फल देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी सूचना हमारे और वीडियोस पे जाकर वो भी देख सकते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना उनमें आपको मिलेगी आपके जीवन के बारे में। अब धन और आर्थिक स्थिति कर्क लग्न की क्या होगी 2020 में? आर्थिक भविष्य फल की अगर हम बात करें, तो व्यापार की तुलना में नौकरी में धन अधिक स्थिर और अधिक स्थिति अच्छी होने के कारण उत्तम रहेगा। यानी धन के अपने फायदे होते हैं, नौकरी के अपने। 2020 में नौकरी में धन और आर्थिक स्थिति अधिक उत्तम होगी। 20 मार्च से 18 जून में व्यापार में तथा नौकरी में दोनों में ही तनाव होगा, थोड़े हानि के योग बनेंगे। आर्थिक आपराधिक आरोप, रिश्वत के आरोप, अनियमितता के लेकर ये संभव होगा। ज़्यादा ये स्थिति नौकरी में बनती है। बिजली, एग्रीकल्चर, भूमि, चिकित्सा, प्रॉपर्टी, कागज, ब्रांडेड वस्तुओं के क्षेत्र में धन हानि संभव होगी इसी समय में, 20 मार्च से 18 जून में। इसी प्रकार चिकित्सा, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स में भी हानि संभव होगी। ये सारे क्षेत्र मंगल से जुड़े हुए हैं। मीडिया, ब्रांडेड वस्तुओं, मीठी वस्तुओं, ज्वेलरी, एल्युमिनियम, शुगर, इन सभी क्षेत्रों में पूरा जो है फिल्म वर्ल्ड है, टीवी चैनल्स है, एडवर्टाइजिंग है, इसमें भी थोड़ी हानि संभव है। 15 अप्रैल से 15 जून में तीव्र धन योग बनेगा। इस समय सूर्य उच्च होगा, फिर एकादश भाव में तीव्र धन योग बनेगा। विपरीत ग्रह स्थिति होने पर भी, यानी आपकी दशाएं गलत भी चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, साठ सती चल रही हो, तो भी इस समय में वर्केबल फाइनेंस आपको अवेलेबल होगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 जून से 15 जुलाई तथा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में भी सरकार अन्य विभागों के कारण, अन्य कारणों से धन हानि के थोड़े से योग बने हैं। इसी समय में देखिए, मैंने एक तारीख आपको बोली 15 जून से 15 जुलाई, 21 जून को सूर्य ग्रहण है जो आपके लग्न से द्वादश भाव में लगेगा और सूर्य आपके धन का स्वामी है, चंद्र आपका लग्नेश है, सूर्य ग्रहण में दोनों ग्रह इन्वॉल्व होंगे। तो एक हफ्ता पहले और बाद में सूर्य ग्रहण के, 21 जून से पहले बाद में सावधान रहिएगा आर्थिक कारणों से। नौकरी में, व्यापार में, भाषा में, खान पीन में हानि से बचने की कोशिश करिएगा। ये तारीख है। इसी समय में जो मैंने आपको तारीखें बोली हैं, नौकरी में बाधा आ सकती है, हानि हो सकती है। 18 जून से 17 अगस्त तथा 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में कोर्ट, जीएसटी, सरकार के अन्य विभागों के कारण तथा नीच, शनि, मंगल और सूर्य की यदि दशाएं चल रही हैं, साठ सती चल रही हो, उसमें विशेषकर मकर अथवा कुंभ आपकी राशियां हो, तो धन हेतु उपरोक्त तारीखों में भारी धन आने के योग बनेंगे। ये तारीखें मैं दोबारा बोल देता हूँ,
ये हैं 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 जून से 15 जुलाई और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। सो ये तारीखें तो हैं ही, परंतु 18 जून से 17 अगस्त और 4 अक्टूबर से 26 सितंबर के दिसंबर के इस समय में कोर्ट जीएसटी सरकार के कारण तथा यदि इस समय में नीच शनि मंगल सूर्य की दशा चल रही हो, साठ सती हो और आपकी राशि मकर और कुंभ हो, तो उपरोक्त तारीखों में यानी उपरोक्त तारीखें 18 जून से 17 अगस्त, 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर भारी हानि का योग बनता है। पूरे वर्ष में धन की स्थिरता के लिए क्या करें? धन की स्थिरता के लिए पैसा बचाने की कोशिश करें, नया व्यापार आरंभ ना करें, नए संपत्ति में इन्वेस्ट ना करें, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को लीगली ध्यान से निपटाएं और अपना व्यवहार उत्तम रखें। विशेषकर नौकरी ज़्यादा स्थिर रहेगी। उपाय, माणिक, पीला, पुखराज और मोती तीनों रत्न आप धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना धन के लिए उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। शनि दशा और साठ सती यदि चल रही हो तो माणिक, पीला, पुखराज और मोती और पेंडेंट में नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। सूर्य मंगल गुरु के बीज अथवा अन्य मंत्रों के उपयोग आप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्र हैं ओम हराम हरम, ओम हराम ह्रीम ह्रौं सा सूर्य नमः। मंगल के ओम क्रां क्री क्रौ सा भुवाय नमः अथवा ओम ऐं क्री चामुंडा विच्चे। गुरु के ओम ग्रां क्री क्रौ सा गुरुवे नमः, इस प्रकार के मंत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। 2020 में किसी भी की भी बैंक अथवा लीगल गारंटी ना दें। सोना या नंबर एक में ही सारी डील्स करें। सोना इत्यादि आप गिरवी रख के धन ना उठाएं। प्रॉपर्टी के कागज रख के धन ना उठाएं। यदि आपकी मकर और कुंभ राशियाँ साठ सती इत्यादि चल रही हो। धन्यवाद, नमस्कार।